टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम ट्रिक्स एंड टिप्स विथ यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। इफ़ यू अप्लाई ऑल दिस ट्रिक्स इन योर लाइफ यू कैन एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ओके, तो चलिए वो टिप्स शेयर करती हूँ। तो जो लास्ट वाले जो दो टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो टिप नंबर वन, रीडिंग। रीडिंग मीन्स पढ़ना। तो देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले सेंटेंस के फ्रेमिंग को आपको समझना पड़ेगा। तो रीडिंग से क्या होता है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट की रीडिंग करते हैं तो उसके जो सेंटेंसेस है वो कैसे मेड हुए हैं इसका हमें पता चलता है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली आपको, आप अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेनी है और उसे हर रोज़ पढ़ना है। एटलीस्ट आप वन लेसन पढ़ सकते हैं। ओके, इससे आपकी स्टडी भी हो जाएगी और इंग्लिश की लर्निंग भी हो जाएगी। उसके साथ ही आप न्यूज़पेपर ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक न्यूज़ सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो शुरुआत में वो जो आप पढ़ रहे हैं उस न्यूज़ को, तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। बट जैसे ही आप रिपीटेडली उसको पढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे कि जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, कि जिसका आपको बिल्कुल ही मीनिंग पता नहीं है, तो आपको एक डायरी लेनी है और वो जो न्यू वर्ड्स हैं उनको उस डायरी में नोट डाउन करना है। और खाली उसको नोट डाउन नहीं करना है, तो उसका जो मीनिंग है आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी डिक्शनरी है उसमें से आप उसका जो मीनिंग है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी और आपके जो वोकेबुलरी है वो भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। सो रीडिंग इज़ अ मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, टिप नंबर टू, राइटिंग। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें तो इंग्लिश बोलना है और ये राइटिंग बीच में कैसे आ गई। तो जी हाँ दोस्तों, राइटिंग भी ये इम्पॉर्टेंट टिप है कि जिसे अगर आप एवरीडे फॉलो करते हैं तो मेक श्योर कि आपको इंग्लिश ईजीली आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए आप दिन भर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उसको एक डायरी में आपको नाइट को सब के सब नोट डाउन करना है। कुछ लोगों की हैबिट्स होती हैं जो दिन भर में होता है कि डेली डायरी लिखने की, तो लोग क्या करते हैं कि ये जो डायरी है ये आप अपने मदर टंग में लिखते हैं। तो आपको आज से क्या करना है, उसी डायरी को आपको इंग्लिश में राइट करना शुरू कर देना है। जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स है इसके जो सेंटेंसेस है अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको वो बनाने हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो ग्रामर है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो सेंटेंसेस है वो भी डे बाय डे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत में तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब यहाँ वहाँ सेंटेंस हो सकते हैं, बट धीरे धीरे आपकी जो सेंटेंस की जो फ्रेमिंग है वो डे बाय डे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि डेली डायरी आपको इंग्लिश में लिखनी है। ओके, तो चलिए टिप नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो लास्ट वाले जो टू टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, तो टिप नंबर थ्री, ओके, तो वो है लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स सुनना। अभी देखिए कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो लिसनिंग है, विदाउट लिसनिंग वी कांट स्पीक इंग्लिश। जब भी हम किसी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उस लैंग्वेज को समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए,
जैसे कि हमारे घर में जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जैसे 1-1.5 साल के बाद वो बोलना शुरू करते हैं, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जिस किसी घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है वही लैंग्वेज वो बच्चा बोलता है। सपोज़ हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है घरों में, तो वो बच्चा हिंदी बोलता है। कुछ फैमिलीज में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है, उसका बच्चा गुजराती बोलता है। मराठी लैंग्वेज जहाँ पे यूज़ होती है उनका बच्चा मराठी लैंग्वेज यूज़ करता है। और फॉरेन कंट्रीज़ के जो बच्चे होते हैं वो तो शुरू से ही इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए कि वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो सुन सुन के बोलते हैं, हमें सुन के तो बोलते हैं वो, तो उनके कानों पर कंटिन्यूसली वही लैंग्वेज चलती है। तो डे बाय डे वो क्या करते हैं, उसको ग्राप्स करते हो, ठीक वैसे आपकी तरह ही वो बोलना शुरू करते हैं। तो आपको भी यहाँ पे वही टेक्निक अप्लाई करनी है। आपको ये समझना है कि अभी हम छोटे हैं और हमें अभी नई लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, अगर आपके पास कुछ फ्री टाइम हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इंग्लिश का स्पीच है उसे आप सुन सकते हैं। देन आप इंग्लिश मूवी भी देख सकते हैं, इससे आपके एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी और इंग्लिश सीखना भी आपका हो जाएगा। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट मूवीज़ का जो एक फ़ायदा ये है कि उनकी जो लिपसिंग है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, वहाँ का जो इंसिडेंट है उससे आपको पता चल जाता है कि ये एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली उस मूवी में इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसके ज़रिए भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो आज से ही आपको इंग्लिश सुनना चाहिए, ये 1-2 दिनों के नहीं, तो आपको ये कंटिन्यूसली इसकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूस करनी है, आपको बार बार उसको सुनना पड़ेगा। ओके, और द लास्ट एंड बट द नॉट लीस्ट टिप इज स्पीकिंग। अभी देखिए, यहाँ तक तो आपको अंग्रेजी आ गया, बट जब भी कोई आप स्किल सीखते हैं और उस स्किल को आप प्रैक्टिकली यूज़ ही नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कार चलाना सीख लिया, ओके, आपको पता है कि उसकी मतलब उसके जो फंक्शंस है, कार कैसे चलती है, उसका एक्सेलेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, ये आपको सब पता है, ओके, बट आपने उसको कभी ट्राई ही नहीं किया है, तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? नहीं। तो ठीक वैसे तरह ही आपको खाली अंग्रेज़ी सीखनी नहीं है तो उसको अपनी मतलब लैंग्वेज में यूज़ भी करना है। खाली आपको आता है और आप बोलते ही नहीं है उसका कोई भी मतलब नहीं है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी होने दो, नो प्रॉब्लम। तो शुरुआत आपको कहीं से करनी पड़ेगी, छोटे छोटे सेंटेंसेस से करनी पड़ेगी। अगर एवरीडे आपको 15 मिनट से आधे घंटे तक आपको इंग्लिश कंटिन्यूसली बोलना है, तो आपको क्या करना है कि आपके घर में कोई आपके सिबलिंग्स होंगे, कोई भी आपके पेरेंट्स होंगे, तो उनके साथ आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। अगर ऐसा कोई पर्सन आपके घर में अवेलेबल नहीं है कि जो आपके साथ इंग्लिश बोल सकता है, तो यू कैन स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप आईने के सामने भी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा हेजिटेड होगा, बट जैसे ही डे बाय डे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए 4 ट्रिक्स। क्या थी वो? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 स्किल अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं कि आई एम श्योर यू हैव टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेरी फ्लुएंटली। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।